हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई एम गगन शर्मा फ्रॉम सांवरिया प्रॉपर्टीज। आपका ये साल आशा करता हूँ अच्छा जा रहा होगा, और इस साल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं गुड़गांव में 400 गज की प्रॉपर्टी, जो कि है 4 बेडरूम 5 वॉशरूम की प्रॉपर्टी है, न्यूली बिल्ट, रेडी टू मूव। और इसकी सबसे बढ़िया बात, इसकी जो USP होने वाली है वो है ये कि 2 साइड ओपन ये फ्लोर है, तो आगे से भी वेंटिलेशन, पीछे से भी वेंटिलेशन, और ब्यूटीफुल लेआउट, गुड एस्थेटिक्स, और फाइन मार्बल यूज किया गया है, पूरे में टैलेंट मार्बल यूज किया गया है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं ओरिएंटेशन बता देता हूँ इस फ्लोर की, और चारों ही फ्लोर्स अभी अवेलेबल है, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे, ताकि आपको सारी हम इंफॉर्मेशन दे दें और आप साइट विजिट पे जल्दी से जल्द आ जाएं। तो ये फ्लोर, सबसे पहली बात बता दूं, डील है फेज 2 में है। अगर आप गुड़गांव शिफ्ट होना चाहते हैं और आपका रोजगार सारा दिल्ली में है, आपको रोज अप डाउन करना पड़ता है दिल्ली में, तो DLF फेज 2 NH-8 से लगता हुआ फेस है, जो कि दिल्ली से बहुत ही करीब पड़ता है, तो आपको दिल्ली का भी एक्सेस मिलेगा और गुड़गांव की फैसिलिटीज, गुड़गांव की सारी एमिनिटीज आप इंजॉय कर सकते हैं। तो DLF फेज 2 में स्थित ये 4 बेडरूम 5 वॉशरूम की प्रॉपर्टी 402 गज के प्लॉट साइज पे बनी हुई है। तो जल्दी से अब मैं बता देता हूँ इसका क्या लेआउट होने वाला है। ये हमारा एंट्रेंस डोर है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। फ्रंट में आपको मिलता है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, और 2 बेडरूम्स आपको फ्रंट में मिलेंगे अटैच टू दी फ्रंट बालकनी। रियर में आपकी आ जाती है किचन, और 2 बेडरूम आपके लगेंगे पीछे की साइड। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ योर फ्लोर। यहाँ पे आपको मिलता है हेफल का बायोमेट्रिक डोर लॉक, आप कार्ड की और फिंगरप्रिंट सबसे इसे ऑपरेट कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहेगी। और बाहर आपको मिलती है लिफ्ट लॉबी, कोने की 5 पैसेंजर लिफ्ट मिलेगी आपको, और बिल्डर की पहचान उससे जानी जाती है कि वो अटेंशन टू डिटेल क्या देता है, तो हर डिटेल पे, हर छोटी छोटी चीज पे बिल्डर ने फोकस किया इस फ्लोर में, तो आपको दिखेगा। कोई भी आपको वॉल आपको खाली नहीं मिलेगी, बढ़िया वॉलपेपर का काम, पैनलिंग का काम, हर जगह वुडन का काम, कुछ ना कुछ काम आपको मिलेगा जरूर। स्टार्ट करते हैं आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया से, और सबसे बढ़िया बात, ये इनक्लोज्ड हो जाते हैं, ये प्राइवेट स्पेस बन जाता है आपका एक ग्लास डोर के थ्रू। फ्लूटेड आपको ग्लास का डिजाइन मिलता है आपको, ये पूरा आपका इनक्लोज्ड हो जाता है, ताकि आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन, आपकी डिस्कशंस कोई भी बाहर ना जाए। तो ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, देख सकते हैं कितनी स्पेशियस है और कितनी अच्छी सनलाइट आएगी। ईस्ट फेसिंग ये प्लॉट है, तो भरपूर रहेगी सनलाइट आपके इस फ्लोर में, सनलाइट की कोई कमी नहीं होने वाली। जनवरी का महीना है, तो आप धूप भी बढ़िया सेक सकते हैं, मज़ेदार लाजवाब। तो ये है आपका, यहाँ पे आपके आएंगे काउच, यहाँ सोफा सेट डल जाएगा आपका, सामने टीवी पैनलिंग का काम किया हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका एक बड़ा सा टीवी सेटअप बॉक्स, आपके डिवाइसेस, वाईफाई सारे यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, बढ़िया काम किया हुआ है। पीछे प्रोफाइल लाइट्स भी दी गई हैं, तो रात को जो इसके एस्थेटिक्स आएंगे निकल के, लुक आएगी बहुत ही गजब की होने वाली है। और ये आपके एल्यूमिनियम डोर्स दिए गए हैं, डबल ग्लेज ग्लास है, और बाहर के ट्रैफिक की आवाज अंदर नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये है आपकी बालकनी, ये हो जाती है आपकी बालकनी, बाहर अच्छी ग्रीनरी है। और अब चलेंगे अंदर, यहाँ पे आपका सोफा सेट डल जाएगा, और आपको दिए गए हैं 2 डाइकन के AC ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। और यहाँ पे आएगी आपकी एक अच्छी 8 से 10 सीटर की आराम से डाइनिंग टेबल यहाँ आ जाएगी। इवन देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू सर्विस अराउंड, आप सर्विस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप इस वॉल पे कितना बढ़िया काम किया हुआ है, विक्टोरियन फिनिश का काम किया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी पेंटिंग भी हैंग कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्बल का काम किया हुआ है, ये सॉरी टाइल है, ये टाइल यहाँ पे लगाई गई है, और टीवी पैनलिंग पे भी आपको टाइल का काम मिलता है। ऊपर आपकी देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स मिलती है, बढ़िया ब्रांडेड आपको फैंस मिलते हैं, बढ़िया आप लाजवाब हवा खाइए गर्मियों के दिनों में, अभी तो ठंड हो रही है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि है इसका मास्टर बेडरूम। ये है आपका मास्टर बेडरूम, जो कि लगता है फ्रंट बालकनी से।
यहाँ पे देखेंगे आपको विक्टोरियन स्टाइल में ये हाईलाइट वॉल मिलती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी बढ़िया सी पेंटिंग, अगर आप शौकीन है मेरी तरह, तो यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका बढ़िया सा बेड, यहाँ पे दी गई है फ्रेंच विंडो, तो वेंटिलेशन और सनलाइट की कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको इस फ्लोर में। यहाँ पे अगर आप मेरी तरह बुक पढ़ने के शौकीन है, तो यहाँ पे आप अपनी चेयर्स डाल सकते हैं और सुबह सुबह एक चाय के साथ अपनी यहाँ बुक इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टीवी पैनलिंग का काम करवा सकते हैं, वुडन का काम अगर आपको करवाना है, मगर ऐसे भी ये बहुत बढ़िया लगेगा आपका टीवी स्क्रीन लगने के बाद। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना स्टडी टेबल भी बना सकते हैं, अगर इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप घर से काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक छोटी सी स्टडी वर्किंग स्टेशन यहाँ बन जाएगा। लगा हुआ है फ्रंट बालकनी से, जो मैंने आपको दिखाई थी, अभी डोर बंद है, ये वही बालकनी है जो मैंने दिखाई थी। यहाँ पे भी वुडन का काम मिलता है, प्रोफाइल लाइट्स मिलती हैं, तो इंटीरियर्स इसके लाजवाब हैं। यहाँ पे आपको मिलती है वार्डरोब्स, यहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया दिए गए मेम साहब के लिए आपकी। और ये है इसका अटैच वॉशरूम, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको जेगर की फिटिंग्स मिलती है, वेट एंड ड्राई एरिया आर एब्सोल्युटली सेपरेट, बैकलेट ग्लास मिलता है, गीजर मिलेगा, ब्रांडेड रेन शावर मिलता है, और निशेस भी मिलती है आपको अपनी टॉयलेटरीज रखने के लिए, इनक्लोज्ड है बाय दिस ग्लास क्यूबिकल ग्लास डोर। और अब मैं लेके चलूंगा सबसे छोटे रूम में, जो कि आप स्टडी रूम बना सकते हैं, बच्चों का रूम, गेस्ट रूम, या फिर अपना ऑफिस स्पेस भी एज ए डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा रूम है इस फ्लोर का। यहाँ पे भी हाईलाइट वॉल दी गई है, वॉलपेपर का काम किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट का, वुडन का बढ़िया काम किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर आप इसे बच्चों का रूम बनाना चाहें, तो यहाँ पे एक बेड आराम से आ जाएगा, वार्डरोब्स भी दी गई हैं आपकी, एंड दिस इज योर वॉशरूम, प्लीज चेक दिस आउट। यहाँ पे भी आपको निशेज मिलती हैं, बढ़िया मार्बल का काम मिलता है, वॉल पे इसकी निशेज मिलेंगी, और वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट मिलता है। और अब चलेंगे इसकी किचन में, उससे पहले आपको ये दिखा दूं मैं, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपका पूजा स्पेस डिजाइंड मिलता है। यहाँ पे आप अपने देवता स्थापित कीजिए, यहाँ पे आप पूजन कीजिए आराम से बैठ के, रोज यहाँ आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपका पूजन का सारा सामान आ जाएगा, सामग्री वगैरह, यहाँ पे आपके भगवान जी स्थापित होंगे, और एक बहुत ही अच्छी फील आएगी। ये आपका डेडिकेटेड पूजा स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलती है कंसोल टेबल, जैसे ही आप आए, अंदर एंटर किया, आपकी कीज, वॉलेट, पर्स आप यहाँ रख सकते हैं, अपना सारा सामान, एंड देन यू कैन मूव अहेड टू योर रूम। ये बहुत ज़रूरी हो जाती है आजकल फ्लोर्स में, ताकि आप अपना ज़रूरी इम्पोर्टेंट सामान यहाँ रखें, और जब भी बाहर जाएं तो यहाँ से उठाना ना भूलें। तो ये आपकी एंट्री कंसोल टेबल, और इसके ही साइड में आ जाती है आपकी ब्यूटीफुल किचन। सारी मॉड्यूलर किचन है, प्रॉपर ब्रांडेड, फैक्ट्री फिटेड, और जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अपीलिंग है। वाइट कलर में किचन है, क्वार्ट्ज का टॉप है, क्योंकि क्वार्ट्ज का टॉप कोई भी स्टेन को होल्ड नहीं करता, सारे स्टेन छोड़ देता है वो, कोई भी स्टेन इस पर आता नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कैफ के हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और ये इसी के साइड में आपको मिलती है स्पेस आपकी डबल डोर फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे आ जाता है आपका पेंट्री एरिया, सारी सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स हैं इसमें, देखेंगे आप, अच्छे ऊपर कैबिनेट्स दिए गए हैं, एम्पल ऑफ स्टोरेज, और एक बात नोटिस करने के लिए, यहाँ पे वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट इन दिस किचन, ये आपका ड्राई एरिया और ये आ जाता है आपका वेट एरिया। यहाँ पे आपके सारे बर्तन, यूटेंसिल्स यहाँ धुलेंगे, कटलरी, क्रॉकरी यहाँ धुलेगी, और वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ लगा सकते हैं, वेट एरिया का प्रोविजन है यहाँ पे। तो आपका वेट एरिया पीछे, और ये आपकी सब्जी, छोटे मोटे सामान धोने के लिए ये आपका छोटा सिंक यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी इसकी किचन, और अब लेके चलूंगा मैं आपको इसके थर्ड बेडरूम में, जो कि है रियर में।
दो बेडरूम ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं आपको, और ये पीछे की बालकनी से लगता हुआ थर्ड बेडरूम है। यहाँ पे आपको हाईलाइट वॉल मिलती है, यहाँ पे मिलेगा आपको वॉलपेपर, वुडन की पैनलिंग मिलेगी, इनले का काम मिलेगा, विक्टोरियन फिनिश मिलेगी, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर कॉप लाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे आएगा आपका बेड और यहाँ पे आएगा आपका टीवी। फिर भी जगह बचेगी तो आप यहाँ पे सेठी या छोटे मोटे स्टूल चेयर्स यहाँ डाल सकते हैं अपनी सिटिंग के लिए। और ये अटैच्ड है रियर बालकनी से, टू साइड ओपन ये फ्लोर है, तो भरपूर आपकी वेंटिलेशन फ्लोर में बनी रहेगी। यहाँ पे मिलेगी आपको थ्रू एंड थ्रू वार्डरोब्स, सामने ड्रेसिंग एरिया, तैयार होइए निहारी अपने आप को। और ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, पोलर की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, और वहाँ पे आपका शावर का प्रोविजन दिया गया, WC यहाँ इंस्टॉल्ड है, निशेज आपको मिलती है, बढ़िया काम मिलता है, वैनिटी स्पेस भी बहुत ही अच्छी खासी मिलती है आपको। अब चलेंगे इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इसी के साइड में आ जाता है, और ये भी अटैच्ड है रियर बालकनी से। इस फ्लोर का ये बेडरूम मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सामने आप देखेंगे मुझे इसकी हाईलाइट वॉल बहुत ही पसंद आई, वॉलपेपर और वुडन का कॉम्बिनेशन यूज किया है, वुडन पे पीयू पेंट आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया एक अच्छी इसकी हाईलाइट वॉल मुझे लगी, एक जो एस्थेटिक इसकी अपील है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पे आपका बेड प्लेस होगा, सामने आएगी बड़ी सी टीवी स्क्रीन, यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे अपनी फेवरेट मूवी, अपना मैच यहाँ देखेंगे बैठ के। और यहाँ पे आ जाती है आपको दोनों साइड वार्डरोब्स मिलते हैं, ग्लास दिया हुआ है, अपने आपको देख सकते हैं तैयार होने के बाद। यहाँ पे आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ देखेंगे वॉल पे भी आपको इटालियन स्टाइल की क्लैडिंग मिलती है इस बाथरूम में, निशेज अच्छी खासी दी गई है, अच्छे खासा साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर एडुकेट साइज है इस बाथरूम का। यहाँ पे देखेंगे वैनिटी स्पेस कितनी अच्छी है, कितनी ह्यूज है, वैनिटी काउंटर भी बहुत ही अच्छा है, WC यहाँ जाती है, जेगवार की सारी फिटिंग्स हैं, जेगवार एंड पोलर की। तो ये था इसका अटैच्ड वॉशरूम, सारी फ्लोर का मैंने टूर आपको दे दिया है, और अब चलेंगे आपको लेकर इसकी टेरेस के ऊपर। चारों यूनिट्स अभी अवेलेबल है तो जल्दी से हमें कॉल कर दीजिए। अरे इतनी जल्दी अभी कहाँ जा रहे हो, एक चीज बची अभी, आओ अभी आपका बच्चा है कंसील्ड रूम, जो कि आपका पाउडर रूम, यह है आपका पाउडर रूम जो कि आपके गेस्ट यूज करेंगे। बहुत ही जरूरी हो जाता है फ्लोर में आपका एक पाउडर रूम होना, ताकि आपकी प्राइवेसी कोई भी इन्वेड ना करे और आपके गेस्ट भी हेजिटेट ना करे वॉशरूम यूज करने में। और अब चलेंगे आपकी टेरेस के ऊपर। हाँ जी, तो मुझे पता था आप सभी लोग बेताब है इस फ्लोर की टेरेस को देखने के लिए, तो मैं आपको इसकी टेरेस पे ले आया हूँ। जितनी खूबसूरत इसकी फ्लोर थी उससे भी कई ज्यादा बढ़िया इसकी टेरेस है, आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है, कितनी अच्छी खासी आपको सिटिंग स्पेस मिलती है, तो आप यहाँ पे अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज आराम से होस्ट कर सकते हैं। वुडन की आपको सीट्स मिलती हैं, सिटिंग एरिया मिलता है, आराम से यहाँ पे 50 से 60 लोग आराम से गैदर हो सकते हैं। आपके बच्चे का बर्थडे, आपकी कोई एनिवर्सरी है, तो बाहर बेफालतू के पैसे क्यों देने, यहीं कैटर बुलाइए और यहीं अपनी छत पे ही बढ़िया एंजॉय कीजिए अपनी पार्टी को। ऊपर आपको मिलता है परगोला, नीचे आप अपनी डालेंगे सिटिंग, बढ़िया सी सिटिंग बनाएंगे, और ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है, मंदी मंदी धूप सेकेंगे, यहाँ पे संतरे खाइए, मूंगफली खाइए, जूस पीए, ठंड के मौसम में लस्सी पीजिए और इंजॉय कीजिए अपनी शामें भी और अपने दिन भी इसी छत पे, अपनी ही टेरेस पे। इधर दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे आपके प्लांटर्स लगा दिए गए हैं, यहाँ पे आपकी स्पेस मिलती है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके प्लांटर्स, यहाँ पे जाल से कवर्ड है सेफ्टी के लिए, यहाँ पे भी आप अपना सिटिंग स्पेस अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ एस्ट्रोटर्फ डाल सकते हैं, अपने योगा सेशन, अपना वर्कआउट सुबह का आप जब भी करते हैं शाम को यहाँ पे आके अपनी टेरेस पे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेरेस है, 400 गज की प्रॉपर्टी है, और सामने भी देखेंगे आपको कितनी बढ़िया सिटिंग स्पेस मिलती है, यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू आपको मिलेगी सिटिंग स्पेस, एलिवेटेड आपका यहाँ पे
बार मिलता है आपको बढ़िया सा, यहाँ पे अपनी पटियाला बनाइए, मॉकटेल बनाइए, जिसके भी आप शौकीन हैं। मैं तो पीता नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। यहाँ पे आपकी ऐसी टेरिस, इतना बढ़िया बार है, तो शामें रंगीन होना तो बनती है इतने बढ़िया व्यू के साथ और इतने बढ़िया बार के साथ। नीचे आपके सिंक आ जाएगा, वेट एरिया का प्रोविज़न है, नीचे आपका फ्रिज आ जाएगा, नीचे अपनी वाइन पटियाला और जो भी आप पियेंगे मॉकटेल वगैरह सब नीचे ठंडी कीजिए। और ये है इसका एलिवेटेड डेक, और यहाँ पे आप देखिए बातें हो रही होंगी, महफिल जमी होगी, हंसी मजाक चल रहा होगा, इमेजिन कीजिए क्या मज़ा आने वाला है। सामने ही आपको एमजी रोड का मेट्रो स्टेशन मिलता है, निकलते ही आपकी फ्लोर से आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है। तो और क्या चाहिए जिंदगी में, इतनी बढ़िया फ्लोर, इतनी बढ़िया टेरेस और इतना बढ़िया व्यू, इससे ज़्यादा इंसान को क्या ही चाहिए होता है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूछेंगे पार्टी हम यहाँ करेंगे तो वॉशरूम क्या हम नीचे जाएंगे, खाना हम क्या नीचे गर्म करेंगे, नहीं, आपको यहीं पे आपको सारे प्रोविजंस मिलते हैं। ये आपकी पेंट्री है और ये आपका वॉशरूम है, ताकि कोई भी पी के टल्ली हो तो वॉशरूम यूज़ कर ले। तो चलिए अब मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। 400 गज की फ्लोर है, 4 बेडरूम 5 वॉशरूम, टेरिस यूनिट अवेलेबल, बढ़िया काम मिलता है आपको, 2 साइड ओपन, ऑल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, बढ़िया इंटीरियर्स, A1 कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और इसका फ्रंट फसाद देखेंगे, बहुत ही मेंटेनेंस फ्री एक बढ़िया आपको फ्रंट फसाद मिलता है। अभी 4 फ्लोर्स अवेलेबल है, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए, नीचे हमारा नंबर गिवन है, और ऐसा बढ़िया चांस प्लीज़ मिस मत कीजिए। दिल्ली के करीब और गुड़गांव के दिल में ये फ्लोर है। अगर आप दिल्ली के करीब फ्लोर लेना चाहते हैं और गुड़गांव के दिल में भी आप रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, दिस शुड नॉट बी मिस्ड। आई एम गगन शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सांवरिया प्रॉपर्टीज।